बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑब्वियसली जिस तरह आप शुरू में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ था कि कल आप लोगों ने पिच देखी है कि नहीं देखी, तो मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि यार कम पिच जाके देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जो प्रिपरेशन की थी पिचेस की, वो वर्ल्ड कप के हवाले से काफी मुश्किल पिचेस बनाई जा रहे थे। मगर स्टिल जब हमने पिच देखा तो उसी तरह कंडीशन थी, क्योंकि आपके सामने उनकी भी दो दो तीन तीन आउट होते, 17 ओवर चले जाते हैं, इसे 85 रन होता है, तो पिच की कंडीशन से मुश्किल थी। और मैं यहाँ पे जरूर अपने फास्ट बॉलर्स को जरूर क्रेडिट दूंगा, स्पिनर्स को दूंगा, और जिस तरह अलहमदुल्ला पूरी टीम ने क्योंकि कोशिश कर रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर जिस तरह अलहमदुल्ला स्ट्रिक कर रहे हैं कम से कम रन में। हाँ, कंडीशन मुश्किल है हमारे लिए, जिस तरह फिर मेरा कप्तान और हमारा दरमियान प्लान यही था, क्योंकि अब पहले मैच में हम थोड़ा सा मुश्किल में आ गए थे, उसके बाद ये प्लान किया कि हम दो मैच जरूर एंड तक जाएगा जो भी हो जाए, तो ये हमारी कम्बिनेशन थी। अब इस हाँ इसमें से बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो नेगेटिव आती है, जो थोड़ी सी मुश्किल होती है कहने में, मगर बहरहाल हम उस चीज़ पे जाएंगे जो हमारी मैनेजमेंट और कप्तान हमसे डिमांड करेगा। अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ, हम मैच जीते हैं। तो रिजी भाई से जाते थे यही बात थी कि हमने एंड तक खेलना है तो मैच फिनिश करके जाना है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही था, ओवर टू ओवर खेल रहे थे और जैसे हमारी जो रन रिक्वायर्ड था हम उस हिसाब से खेल लेते, तो अल्लाह का शुक्र है हम मैच थोड़ा सा क्रूशल हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैच जीत गए। मैच डिफिकल्ट थी, लेकिन जो हमारे सीनियर्स प्लेयर जो यहाँ पे खेले हुए हैं लाइक शफी भाई, वैडी भाई, और ये लोग मुझे यही बता रहे थे कि आपने पिच पे टाइम लेने, आप जितना टाइम लेंगे उतना आप अच्छा अपना अपना आपको प्रूव कर सकेंगे। फैंस सबसे पहले थैंक यू करूंगा कि हर गेंद उन्होंने सपोर्ट किया है और दोनों टीमों को सपोर्ट किया है, बांग्लादेश में हमें भी सपोर्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है।